हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 66 जो कि कक्षा छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और प्यारे बच्चों, इसे आपने अपनी गणित की कॉपी में करना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस वर्कशीट को करेंगे और आज की जो इंग्लिश मीडियम में मैथ की वर्कशीट आई है इंग्लिश मीडियम वाले वो करेंगे। तो आज की ये जो वर्कशीट है ना, ये आधारित है दशमलव संख्याओं की घटा पर, यानी जब दशमलव संख्याएं हों तो उन्हें हम कैसे घटा करेंगे, उनमें घटा कैसे की जाती है, यही आज हम सीखने वाले हैं। कैसे? तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो कई बार अगर ये भी लिखा हो सकता है कि भाई हमें तुलना करनी है, तो जब भी हम तुलना करनी होती है हमें, तो हम घटा करते हैं। अब जैसे अंकित 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकता है, यानी कि 3.5 घंटे का मतलब जानते हैं क्या होता है, ठीक है? तो 3 घंटे और 50 मिनट। फिर समीर उसी पेंटिंग को 2.35 घंटे में भी कर सकता है। अब अंकित तो 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकता है और समीर उसी पेंटिंग को 2.35 यानी 2.35 घंटे में कर सकता है। दोनों में से तेज चित्रकार कौन है, कितने घंटे तेज? अब जब हमें ये पता लगाना हो, यानी दोनों की तुलना करनी हो कि दोनों में से कौन तेज है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अंकित द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय 3.5 घंटे, समीर द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय 2.35 घंटे। आपने इसको ऐसे ही करना है क्योंकि ये शाब्दिक समस्याओं वाले प्रश्न होते हैं, जो जो दिया हुआ है वैसा वैसा लिखना है। अब हमें 3.5 और 2.35 की तुलना करनी है। और तुलना कैसे करेंगे? 3.5 को 2.35 के समान बनाने के लिए, देखो मैंने पिछले वर्कशीट में भी आपको ये समझाया था कि अगर एक संख्या में तो दशमलव के बाद एक ही अंक हो और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद दो अंक हो, तो हम उसको बराबर बनाने के लिए ज़ीरो लगा देते हैं। तो हम 3.5 को 3.50 भी लिख सकते हैं। अब देखने से समझ में आ गया कि 3.50 बड़ा है 2.35 से, लेकिन हम इसको घटा करके देखेंगे। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा करेंगे। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि हमें सीधे हाथ की तरफ से ही शुरू करना है, तो ज़ीरो में से पाँच तो जा नहीं सकते, तो ये ज़ीरो क्या करेगा, पाँच से एक उधार मांगेगा, तो यहाँ पर तो बन जाएंगे 10 और यहाँ रह जाएंगे 4, है ना? 10 में से पाँच गया 5 और 4 में से 3 गया 1, ठीक। अब ये याद रखना होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना होता है, जैसे हमने जमा में सीखा था, और 3 में से 2 गया 1, तो जो अंकित है वो समीर से 1 घंटा 15 मिनट क्या है, तेज है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1.15 घंटे, ठीक है? समझ में आया कैसे घटा करते हैं, कैसे तुलना करते हैं? तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि समीर अंकित से, देखिए इसमें गलत लिखा है क्योंकि अंकित जो है, हाँ सॉरी, बिल्कुल सही बात कि समीर जो है 2 घंटे 35 मिनट में करता है और वो 3 घंटे 50 मिनट में करता है, तो समीर अंकित से 1 घंटा 15 मिनट तेज है, ठीक है ना? अब आपको पता चल गया कि हमें तुलना कैसे करनी है, हमें इस तरीके से करनी है। सोनालिका अपनी होली पार्टी के लिए कुकीज़ बना रही है, यानी बिस्किट जो होते हैं ना कुकीज़, ये देखिए। किचन में चीनी के 2 डिब्बे हैं, यहाँ पे 2 डब्बे हैं चीनी के। हरे रंग का डिब्बा 1.26 किलो, यानी 1 किलो 26, हम इसको आगे बता सकते हैं 260 ग्राम होता है ये लिखा हुआ, और लाल डिब्बा 1.26 किलोग्राम का है। किस डिब्बे में चीनी अधिक है और कितनी? तो फिर दोबारा से वैसे लिखेंगे, हरे डिब्बे में चीनी है 1.26 किलोग्राम, लाल डिब्बे में चीनी है 1.026 किलोग्राम। तो जब हमें तुलना करनी होती है, घटाना होता है, तो अंकों को भी समान करना पड़ेगा। तो हम 1.26 को, इसमें तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, और इसमें कितने अंक हैं, 3,
तो दोनों को बराबर बनाने के लिए हम इस 6 के बाद एक जीरो लगा देंगे, जैसे यहाँ पर है, तो हम इसको कर देंगे 1.260। ठीक है, तो अब 1.260 देखिए बड़ा है 1.026 से, इसलिए बॉक्स में अब हम इसको घटा करके देखेंगे। तो जैसे मैंने घटा सिखाई थी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है, तो नहीं जा सकता ज़ीरो में से 6, तो 6 से 1 हासिल लिया जाएगा, तो यहाँ तो बन गए 10, यहाँ बन रह गए 5, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 0 गया, कुछ भी नहीं गया, यानी 2 दशमलव का दशमलव, और 1 में से 1 गया 0, तो आपने इसको लिखना है 0.234 किलोग्राम, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे भी लिखना है 0.234 किलोग्राम, ठीक, ऐसे हमें लिखना है। तो हरे डब्बे में लाल डब्बे की तुलना में 0.234 किलोग्राम चीनी अधिक है। अब अगला देखो, सोनालिका के पास 1.46 किलोग्राम आटा था, कुकीज़ बनाने के बाद उसके पास 0.25 किलोग्राम आटा बचा था, उसने कितना आटा इस्तेमाल किया? तो आटा जब शुरू किया था, प्रारंभिक मात्रा मतलब जब शुरू किया था, तो आटा कितना था? 1.46 किलोग्राम, ऐसे लिखना है आपने। और अंत में बचा हुआ आटा कितना था? 0.25 किलोग्राम, ठीक। तो कुकीज़ के लिए कितना आटा इस्तेमाल हुआ? आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को हम घटा कर देंगे, इस तरीके से, ठीक। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गए 2 दशमलव का दशमलव, और 1 में से 0 गया 1, तो 1.21 किलोग्राम। तो आपने यहाँ पे लिखना है कुकीज़ के लिए कितना आटा इस्तेमाल किया गया, 1.21 किलोग्राम, ठीक है, यही आपका उत्तर बन जाएगा। ये एक सही ढंग से लिखना आप इसको, एक, ठीक है। चलिए अब हम प्रयास के प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए, कैसे करना है? जैसे हम इसका नंबर देते हैं, पहले पहले प्रश्न का उत्तर 0.95 में से आपको 0.71 को घटा करना है, अंकों के नीचे अंक और दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, ये बात याद रखना। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 7 गए 2 दशमलव का दशमलव, और 0 में से 0 गए 0, तो ये हो गया पहले का उत्तर। अब दूसरे का उत्तर 8.5 में से, इसको हम दूसरा प्रश्न मान लेते हैं, दूसरा भाग 2.1, दशमलव के नीचे दशमलव और अंक के नीचे अंक, 5 में से 1 गया 4, दशमलव के दशमलव, 8 में से 2 गए 6, 6.4। अब तीसरा भाग देखते हैं, 3.8 में से 2.0 घटाना है, ठीक, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 2 गया 1, उत्तर आ गया, ये है ना आसान। फिर चौथा भाग देखते हैं, 7.52, ऐसे ही पढ़ना होता है, 52 मत पढ़ना, 52, इसमें से 5.21 को घटाना है, ठीक, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, और दशमलव का दशमलव ही लगाना है, दशमलव के नीचे बिल्कुल, उसकी लाइन मत बिगाड़ना। फिर पांचवा भाग, 1.92 में से 0.71 को घटाना है, 2 में से 1 गया 1, रुकिए, 9 में से 7 गए 2, दशमलव का दशमलव, 1 में से 0 गया 1, और आखिरी भाग 2.13 में से 1.12 को घटाना है, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, दशमलव का दशमलव, 2 में से 1 गया 1, इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों को करके देखना है, और आपने अभ्यास के तौर पर 10 प्रश्न ऐसे ही और करने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटाइए, तो बहुत आसान है, जैसे अभी अभी हमने किया, 1 में से 2 नहीं जा सकता,
तो ये इससे हासिल मांगेगा ज़ीरो, ज़ीरो के पास तो कुछ नहीं है तो ज़ीरो मांगेगा इससे हासिल। तो अब देखो यहाँ तो बच गया एक, इसको थोड़ा सा सही कर देंगे एक। अब इसने इसको दिया दस बचे, दस ने इसको हासिल दे दिया, तो यहाँ तो बच गए नौ और यहाँ पर हो गए ग्यारह। ठीक, ग्यारह में से दो गए नौ, नौ में से दो गए सात, दशमलव का दशमलव और एक में से एक गया ज़ीरो। अब इसको घटाते हैं, छः में से दो गया चार, दो में से एक गया एक, दशमलव का दशमलव, पाँच में से सात गए नहीं जा सकते, पंद्रह में से सात गए तो जा सकते हैं, तो पंद्रह में से सात गए कितने होते हैं आठ, उत्तर आया 8.14। अब अगला प्रश्न, 1.48 में से 0.09 को घटाना है, आठ में से नौ नहीं जा सकते तो आठ इससे हासिल मांगेगा चार से, तो यहाँ तो रह जाएंगे तीन और ये बन जाएंगे 18। ठीक, 18 में से नौ गए नौ, तीन में से ज़ीरो गए तीन, दशमलव का दशमलव और एक में से ज़ीरो गया एक, तो बचा उत्तर 1.39। इस तरीके से हमें ये सारे के सारे उत्तर करने हैं। आप अभ्यास के तौर पर ऐसे 10 प्रश्न जरूर कीजिएगा, तभी आपको दशमलव संख्याओं की घटा करना आएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को जल्दी से 1 लाख तक पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। लेकिन जो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है कि जिस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती, वो सारे वीडियोज़ आपको उस टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।